बाग 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। मंच पे बैठे हुए तमाम लीडर साहिबान यहाँ रामलीला मैदान में आए हुए हमारे भाई हमारी बहनें सबको मेरा सलाम मेरा आदाब। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है न कोई वकील न कोई दलील न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक अपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के MLA बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं फारूक साहब उमर अब्दुल्ला साहब पूर्व मुख्यमंत्री तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले जाएं। केजरीवाल का क्या कसूर? उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल अच्छे अच्छे बनाए जहां से डॉक्टर इंजीनियर लॉयर टीचर निकलेंगे। उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, अस्पताल बनाए, बसेस की मुफ्त। मगर इनको तकलीफ है, इनको इस परिवार से तकलीफ है। ये जो परिवार आप देख रहे हैं, इनको परिवारवाद से तकलीफ नहीं है। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो ज्योतिराजे सिंधिया को नहीं लेते, अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो जतिन प्रसादा को नहीं लेते, मिलन देवरा को नहीं लेते, राजनाथ सिंह का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं होता। इनको तकलीफ है। एक अगर आज भी आदित्य ठाकरे जी बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर परिवारवाद नहीं है। इनको एक परिवार से सबसे ज्यादा तकलीफ है और वो परिवार जिसने इस देश के लिए जेल में गए, कुर्बानियां दी, इस देश को बनाया। गांधी नेहरू उस परिवार की बात करते हैं। अरे मैं कहती हूँ ऐसे और परिवार पैदा हुए होने चाहिए थे। आज देश जो हमारा चांद्रयान पे पहुंचा, चांद पे पहुंचा, शायद कहीं और पहुंच गया होता। इनका क्या काम है? इनका काम है, इन्होंने कहा हम सवाल पूछते हैं। आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं दी बल्कि यहाँ के नौजवानों के हाथों में लाठी दी, जबान पे नारा दिया, कभी देश का कभी धर्म का, बोला जाओ मारो लिंच करो, शक्ल देखो क्या खाता है क्या पहनता है, दाढ़ी कितनी लंबी है। इन्होंने नौजवानों का अपराधीकरण किया, उनको दंगाई बनाया, कहा तुम दंगे करो तुमको जेल नहीं भेजेंगे, मगर हमसे नौकरी का हिसाब मत मांगो, हमसे 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब मत मांगो। इन्होंने भ्रष्टाचार का इल्जाम हम पे लगाया। अरे चंदा चोरी में जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया पिछले 75 साल में,
हमारे मुल्क में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ है। ईडी के जरिए वसूली की इन्होंने, इनकम टैक्स के लिए जरिए वसूली की, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा नहीं है कि हमने केजरीवाल जी को, अपोजिशन को बचाना है, नहीं, आज हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ है। उस संविधान को जिसने आपको वोट दिया है, उस वोट से जिससे आप अपनी सरकार चुनते हैं। अगर आज आप नहीं जागे तो आपके वोट की कोई कीमत नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में, इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को रिक किया जाता है अपोजिशन को जेल में डाल के। मेरी आखिर में आप सबसे गुजारिश है, हमारे इंडिया अलायंस के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, इनके पास सब कुछ है, गोदी मोदी सारा मीडिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमारा मीडिया, हमारा अखबार, हमारा फेसबुक आप लोग हो, आप लोगों को जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो या कोई और हो, वो जेल में इसलिए है, वो संविधान को बचाना चाहते हैं, आपके वोट को बचाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।